हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी बिहार वासियों के लिए एक अच्छी खबर है सुबह सुबह, और अच्छी खबर यह है कि ONGC ने बिहार के दो जिलों बक्सर एवं समस्तीपुर में विशाल तेल भंडार गंगा तट के किनारे होने के संकेत दिए हैं। इस पूरी न्यूज को विस्तार से देखते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड यानी कि ONGC का आकलन है कि बिहार के बक्सर और समस्तीपुर में गंगा किनारे तेल के भंडार हो सकते हैं। इस आकलन की पुष्टि के लिए ONGC ने बिहार के खान एवं भूतत्व विभाग से पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। राज्य की स्वीकृति मिली तो लाइसेंस की अवधि करीब 4 वर्षों की होगी। इसके पहले भी सिवान, पूर्णिया और बक्सर में तेल भंडार होने का अनुमान लगाया गया था। जानकारी के अनुसार गंगा बेसिन में समस्तीपुर में 308.32 वर्ग किलोमीटर जबकि बक्सर में 52.13 वर्ग किलोमीटर तेल भंडार होने का अनुमान है। तेल भंडार कितना है इसका आकलन के लिए पहले राज्य की अनुमति आवश्यक होती है क्योंकि माइनिंग जो है वो राज्य सब्जेक्ट का विषय है। ONGC के आवेदन के बाद खनन विभाग ने दोनों जिलों के प्रशासनिक प्रमुखों को इस संबंध में अवगत करा दिया है। राज्य सरकार की अनुमति के मिलने के बाद तेल भंडार की खोज के पहले चरण में भूकंप डेटा रिकॉर्डिंग प्रणाली का उपयोग कर 2D भूकंपीय सर्वेक्षण होगा। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय और मैग्नेटो टेल्यूरिक यानी MT सर्वेक्षण भी होगा। पुष्टि होने के बाद प्राकृतिक तेल प्राप्त करने के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी कि दो आपको प्रोसेस याद कर लेने हैं माइनिंग में यूज होते हैं, जो क्योंकि यहाँ से प्रिलिम्स वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन से दो जिले हैं? तो जिले हैं बक्सर और समस्तीपुर में। कितना अनुमान लगाया गया है? तो समस्तीपुर में 308.32 और बक्सर में 52.13। तो आप BPSC के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इतना ही फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप आम नागरिक हैं तो आपके लिए सूचना सुखद है। धन्यवाद।